हेलो एवरीवन वेलकम टू डाउट नट डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है क्या हाल चाल व्हाट्सअप हाउ आर यू ऑल जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है मेरा नाम है राधिका सह गलेंडा आई एम यूर इंग्लिश एजुकेटर तो भाई इंग्लिश एजुकेटर मतलब इंग्लिश में ही कुछ होगा है ना तो मैंने बोला था कि लिटरेचर ग्रामर और राइटिंग साथ, साथ 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 चलेगा हमारा तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं लिटरेचर तो है नहीं ग्रामर भी नहीं है क्योंकि टॉपिक स्क्रीन पे दिख चुका है नोटिस राइटिंग हमारा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बोर्ड में अलग मार्किंग स्कीम होती है सो आज हमको सीखना है कि यार ये परफेक्ट नोटिस लिखते कैसे हैं कैसे पूरे के पूरे चार या फिर पाँच नंबर लाऊ मैं कैसे पाँच नंबर या चार नंबर चाहिए मुझे नोटिस राइटिंग के थ्रू तो लेक्चर नंबर वन दैट मीनस है कि लेक्चर में सब निपटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन है आपके पास बढ़िया कमेंट्स करो जितने डाउट्स हो सारी चीज़ें आज की क्लास में ही क्लियर कर लेना तो करना क्या है हमको फॉर्मेट सीखना है पहले और फिर अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड में कैसे होता है या फिर आप लोगों को कोई अनाउंसमेंट करनी है या फिर कुछ बताना है इवेंट से रिलेटेड तो कैसे नोटिस लिखेंगे सबकी प्रैक्टिस होगी सॉर्टेड बता दो अप कर दो कि हाँ मैम सॉर्टेड बढ़िया सीन चल रहा है बढ़िया पढ़ाई करेंगे हम लोग यहीं है थम्स अप फटाफट से जल्दी से और मैं दे रही हूँ दस सेकेंड कोई डाउट आता है तो ठीक है ये रहा आपका कमेंट सेक्शन का बढ़िया सा टाइम दस सेकेंड मिल रहे हैं अभी से स्टार्ट होते हुए कमेंट्स में पूछ लो कोई डाउट है यहाँ तक तो भाई कोई डाउट नहीं है तो चलने फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फॉर्मेट से कि फॉर्मेट होता क्या है कैसे हम लोग नोटिस लिखते हैं ये रहा हमारा फॉर्मेट बहुत इजी है आपको बस ध्यान देना है कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो आप साथ के साथ नोट डाउन कर लो वरना यह ट्रिक काम नहीं आने वाली आपको बीच में मैं ट्रिक बता दूंगी आपका ध्यान नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि चार मार्क्स कैसे आएंगे सो चल स्टार्ट सबसे पहले आप लोगों को नोटिस में लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन अब आप लोग किसी के लिए नोटिस लिख रहे होंगे ना फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल के वाइस हेड हो या फिर हेड हो हेड गर्ल बॉय होते हैं तो आप हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो आपके स्कूल में हो रहा है सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो स्कूल के लिए ही तो लिख रहे हो ना तो यहाँ स्कूल का नेम आ जाएगा कैप्स में कैपिटल लेटर्स में उसके बाद नोटिस लिखते हैं नोटिस भी कैपिटल लेटर्स में होता है ये जो फॉर्मेट है ना यही हमारी ट्रिक है फॉर्मेट को अच्छे से रट लो एकदम प्यार से घोल लो दिमाग के अंदर ताकि मार्क्स ना कटें फॉर्मेट ही सही लिखाओगे ना तो मार्क्स बढ़िया मिल सकते हैं अंदर तो तुम लोगों को मैं इजीली बता दूंगी कि करना क्या है नोटिस के बाद हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लेफ्ट डेट मंथ ईयर यानी कि थ्री मार्च 2022, 2023, 2021 जिस भी साल में हो जो भी डेट है वो यहां लिख दी ठीक है इस तरीके से आगे कॉमा लगाया 2022 लिख देते चलो ठीक है हेडिंग लिखी यहां पर, बोल्ड लेटर्स में बोल्ड मतलब या तो कैप्स या फिर अंडरलाइन करके कैप्स मतलब कैपिटल लेटर्स बॉडी कंटेंट यानी कि आप क्यों लिख रहे हो ये नोटिस नोटिस क्या होता है सूचना पत्र क्या पूरे जनहित में जारी कुछ बता रहे हो इसीलिए हम लोग नोटिस लिखते हैं वरना नोटिस का जमाना इतना नहीं है कि हम लोग गली गली में बांट रहे हैं नोटिस होता है मास ऑडियंस को कुछ बताने के लिए कि भाई बहुत सारी जनता को मुझे कोई एक चीज बतानी है तो मैं नोटिस लगा दूंगी नोटिस बोर्ड पे स्कूल में लगते हैं एंड में नेम सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आजकल सिग्नेचर नहीं होते हैं आजकल सिग्नेचर नहीं होते हैं कुछ बोर्ड्स में सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है अब मार्किंग स्कीम देखो सीबीएसई में चार मार्क्स का होता है जेनरली ठीक है फॉर्मेट का एक नंबर कंटेंट का दो नंबर जिसमें से आधा नंबर तो मैं आप लोगों को ऐसे ही अभी एक लाइन बता के दिला दूंगी उसके बाद एक्सप्रेशन की तुम लोगों ने सब चीजें अच्छी लिखी हैं राइटिंग कैसी है पचास वर्ड्स के अंदर ही लिखा है कि नहीं अब एक अच्छा नोटिस क्या होता है नोटिस तो सब लिख लेंगे सबको इन चार में से दो नंबर तो आराम से मिल जाएंगे बट मुझे तो चार ही चाहिए कैसे लाऊं सबसे पहले जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से पढ़ो और आई कैची कैप्शन दो आई कैचिंग कैप्शन यानी कि हेडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए धमाकेदार हेडिंग चाहिए जिससे कि नज़रें हटे ही ना आपका पेंसिल बॉक्स खो गया है स्कूल में थर्ड क्लास में हो आप पेंसिल बॉक्स बहुत महंगा था मतलब तीन चार सौ रुपये का था बचपन में तो बहुत महंगा लगता है तो तुमने नोटिस लिखा पेंसिल बॉक्स ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज या फिर पेंसिल बॉक्स लॉस्ट पेंसिल बॉक्स ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज नहीं लिखेंगे यही चीज तुम लोगों को देखनी है कि तुम लोग हेडिंग में क्या लिखोगे ये चीज इसीलिए बोली ताकि आप लोग टोक दो टोका किसी ने देखते हैं तो हेडिंग में हमको कहानी नहीं लिखनी है दूसरा वर्जन आ जाएगा पेंसिल बॉक्स लॉस्ट वॉलेट लॉस्ट वॉलेट फाउंड सिर्फ क्रिस्पी लाइंस चलती हैं हेडिंग में ठीक है उसके बाद हम लोगों को पर्पस लिखना है सही से पर्पस फॉर व्हिच इट हैज बीन रिटन लाइक कॉलिंग अ मीटिंग मेकिंग एन अपील पर्पस क्लियर होना जरूरी है अंदर कुछ और और ऊपर हेडिंग में कुछ और बंदा पढ़कर कर चिड़चिड़ा हो जाएगा कि भाई ये पागल इंसान है ऊपर कुछ और लिख दिया नीचे कुछ और लिख दिया ऐसे तो फ़न नहीं आएगा और फन के बिना मतलब लाइफ मोनोटेनस हो जाती है है ना उसके बाद हम लोगों को डिटेल्स प्रॉपर देनी है डेट टाइम वेन्यू इवेंट ड्यूरेशन एट्सेट्रा केस द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज इन द नियर फ्यूचर बाई फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है आपका तो उससे रिलेटेड नोटिस लिखना है तो आप बताओगे नहीं कि कहाँ है कब है कांटेक्ट डिटेल्स दोगे कितने बजे है कितने बजे तक रहेगा ये पांच चीजें तो इम्पोर्टेंट है सॉरी <coughs> ये पांच चीजें तो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है देन इट हैज बी रिटर्न इन थर्ड पर्सन ऑल आर हेयर बाई इनफॉर्म्ड दैट वी इस तरीके से बता सकते हैं या फिर दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे इनक्लोज इन नोटिस इन अ बॉक्स ये चीज़ हमेशा याद रखनी है फॉर्मैट में बॉक्स हमेशा याद रखना है बॉक्स ही नहीं बनाए तो नंबर पूरे कट जाएंगे बॉक्स नहीं बनाए तो नंबर पूरे कट जाएंगे अ नोटिसन हाउ एर ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बाई नोटिस और किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कोई मीटिंग है ठीक है किसी की वेडिंग है किसी का कोई इवेंट है ठीक है कोई बर्थडे है या फिर किसी की डेथ एनिवर्सरी है इन सब चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके लिए हम क्या करते हैं इनके लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें ठीक है सोसाइटी में आपकी डांडिया नाइट होने वाली है तो आप लोग नोटिस ही तो दोगे वरना हज़ार दो हज़ार फैमिलीज़ जो रह रही हैं उनको एक एक करके थोड़ी बताएंगे है ना और सब लोग तो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं तो नोटिस तो भाई सब लोग देखते हैं क्योंकि पता है कि यहीं पर अपडेटेड नॉलेज मिल जाएगी हमको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विल बी एबल टू नो कि अब क्या होने वाला है तो इसीलिए नोटिस लिखा जाता है अब ये है आपकी आज की ट्रिक जो कि हमेशा काम आएगी आधा नंबर इसमें पक्का है आधा नंबर इसमें पक्का है आज हम लोग एक ट्रिक कर रहे हैं वो ट्रिक क्या है हमेशा स्टार्टिंग लाइन इन्हीं से ही करनी है और कोई कहानी नहीं चिपकानी है यही सालों से चलती आ रही है लाइंस, आगे भी आई गेस चलती रहेंगी क्योंकि क्लास ही लगता है स्टैंडर्ड सेट कर रखा है तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग

अब स्टूडेंट्स के बजाय रेजिडेंट्स हो सकता है पीपल हो सकता है एवरी वन इज़ इनफॉर्म भी हो सकता है तो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है स्कूल है या फिर कोई और चीज़ है ठीक है या फिर ऑल आर हेयर बाई इनफॉर्म स्टूडेंट्स लगाओ ही मत दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली योर चॉइस यहाँ तक कोई डाउट है रुक जाते एक सेकेंड कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दूँ फटाफट फड़ से आई फील कोई डाउट नहीं है है तो जल्दी से हम लोग वेट कर रहे हैं अभी कोई डाउट है तो पूछ लो तसल्ली से एकदम कोई जल्दी नहीं है मुझे तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारी क्विज़ पे फिर अब जल्दी तो थी नहीं डाउट था नहीं तो क्विज़ पर आ जाते हैं है ना क्विज़ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटिस शुड बी रिटन इन हंड्रेड वर्ड्स थर्टी वर्ड्स फिफ्टी वर्ड्स नन ऑफ द अबाव नोटिस किस में लिखना चाहिए सौ तीस पचास या फिर नब्बे अब ये बेसिक क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए ये बेसिक क्वेश्चन है यू मस्ट बी नोइंग द आंसर फटाफट से आंसर बताएंगे क्विकली Second question, a notice is always क्वेश्चन इज ऑलवेज रिटन circle, triangle, नन ऑफ द above. नोटिस किसमें लिखते हैं यार ये क्वेश्चंस नहीं करे ना तो मतलब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है जाओ जल्दी से पानी पी कर आओ उठो थोड़ा सा वॉक करो ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो फोन में ही ध्यान रहे और क्लास चलती रहे बढ़िया अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन सर्कल ट्रायंगल नन ऑफ द above. कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था अभी कि जो है और कैसे लिखा जाता है शुरुआत में लिखते हैं ना बॉक्स के यहाँ पर इंस्टीट्यूट फिर नोटिस उसके बाद हेडिंग या डेट आई एम सॉरी जल्दी बताएंगे बच्चे <coughs> चलो आंसर चेक करते हैं मीनवाइल यू कैन टेल मी तीन में से कितने मार्क्स आए आंसर चेक करके फर्स्ट अ नोटिस शुड बी रिटन इन ऑलवेज 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स ऊपर कहानी नहीं लिखनी है याद रखने है इस चीज को आंसर सी पार्ट क्या हुआ आंसर सी पार्ट सेकंड अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स आंसर ए पार्ट आंसर ए टाइटल एंड नोटिस इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स यानी कि अपर केस ऑब्वियसली आंसर बी पार्ट मेरे तो तीन में से तीन आ गए तुम बताओ कितने आए कितने मार्क्स आ गए जल्दी से बता दो बच्चे बोलते हैं कि मैम नोटिस राइटिंग लिखने में मुश्किल होती है आज ही मुश्किल दूर करनी है हो साथ में तो थम्स आप जल्दी से कॉमेंट्स चेक की जाएंगी थम्स आप कि मैम समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक चलो भाई कुछ और टिप्स देख लो पचास वर्ड से ऊपर की कहानी नहीं चाहिए रिपीटेशन नहीं करनी कि तू मेरे घर आ जाइयो पाँच बजे तू मेरे घर आ जाइयो पाँच बजे उसके नीचे फिर से लिख रहे हो टाइम पाँच बजे बोर नहीं करना है हमको रिपीट मत करो हमेशा बॉक्स में ही लिखना है बॉक्स हमेशा पेंसिल से ही बनाना है कलाकारी नहीं करनी है कि ब्लैक पेन से बॉक्स बना दिया ब्लू पेन से आंसर लिख दिया नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस नहीं चल रहा है इधर ना ही उसका एग्जाम है तो मेक श्योर sure कि आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करें बॉक्स के लिए नोटिस और हेडिंग हमेशा अंडरलाइन या फिर अपर केस में लिखना बोल्ड तो नहीं कर सकते हो तो हमेशा हेडिंग और नोटिस कैपिटल लेटर्स में नोटिस को क्रिस्प पॉइंट टू दी पॉइंट लिखो कहानी नहीं बताने की मेरी मम्मी की यादें जुड़ी थी उस डॉक्यूमेंट से वो डॉक्यूमेंट यहाँ गिरा उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा था कितने रुपए का था ये कहानी नहीं चाहिए बस बताओ डॉक्यूमेंट गुम हुआ कहाँ गुम हुआ जो मुझे दे देगा उसको क्या मिलेगा ठीक है हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स नहीं बताने हैं यानी कि मन गणंत कहानियां मत बता देना जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो ना कहानियाँ बनाने के लिए ज़िंदगी पड़ी है अभी पेपर में नहीं खेलना है है ना एग्जाम में मत खेलना बस टाइटल हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए आई कैचिंग यानी कि आंखों में बस घुस जाए कि भाई कि आप बढ़िया टाइटल लिखा है इसने और आपको क्लियर भी हो जाए कि टाइटल में आखिर बताया जो है वही है क्या अंदर या नहीं है हमेशा हमको समझदारी से नोटिस लिखना सारी इंटेलेक्ट की बातें यार मतलब दिमाग से काम करना है दैट्स इट इतना तो कर ही सकते हो कर सकते हो ना थम्स अप स्माइलीज भेज यार बहुत थम्स अप हो गए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत देना कि मैं ना यहाँ रहती हूँ इतने बजे मैं स्कूल जाती हूँ इतने बजे मैं घर आती हूँ इसके बीच में ही आना नहीं ये नहीं बताना है जो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वही लिखना है हमेशा ना अगर इवेंट से रिलेटेड आपका नोटिस है तो आपको पाँच डब्ल्यू का ध्यान रखना है वॉट क्या है इवेंट वाई क्यों हो रहा है वेन कब होगा कहाँ होगा और कांटेक्ट किसको करना है हमेशा सवाल का जवाब देना सीखो ताकि आंसर अपने आप क्लियर हो जाए लोगों को जवाब होना चाहिए आपके पास हर सवाल का तो सवाल आपको बता दिए जवाब आप दे सकते हो है ना स्माइलीस की मैम सब क्लियर है यार मेरी स्माइली थोड़ी सी ऐसी बनती है ठीक है क्लियर है सब प्यारी स्माइली बन गई यार या पता नहीं, नहीं लग रही अभी डेविल लग रहा है क्लियर है सबको चले आगे चलो भाई आ जाते क्वेश्चन पे वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर एट आवर्स टेन टू सिक्स पी एम ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर ऑफ अक्टूबर फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक भाई दस से 6 बजे पानी नहीं आने वाला है वाटर टैंक की सफाई करनी है राइट in अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द residents टू स्टोर वाटर फॉर अ डे अब आप किसी एरिया में रहते हो जहाँ वाटर टैंक क्लीनिंग होनी है दस से छे पानी नहीं आएगा सारे जो लोग वहाँ रहते हैं रेजिडेंट्स हैं उनको बता दो तो भाई पानी नहीं आने वाला अपना अरेंजमेंट करके रखें कृपया अपने सामान का ध्यान रखें तो अपना इंतजाम खुद करें यू आर करण कुमार या फिर करुणाबाजाज सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार करनूल करनूल के बजाय करनाल लिख लो यार करनूल बहुत ही लंबा सा लग रहा है नाम तो अच्छा है बट करनाल लिख लेते हैं ठीक है क्या लिखेंगे सबसे पहले चलो वेट करते बच्चों का कि बच्चे बताएंगे सबसे पहले क्या आने वाला है <coughs> सबसे पहले क्या आएगा हम्म <coughs> ओब्वियसली जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तो पहले क्या करेंगे मैं तो पहले बॉक्स बनाऊंगी क्योंकि मैं स्क्रीन पे काम कर रही हूँ आप लोग बॉक्स नहीं आप लोग बॉक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग पहले लिखोगे तो सही साइज बना के कि लिखना कितने स्पेस में है जनता हाउसिंग सोसाइटी कैप्स में लिख दिया हाउसिंग सोसाइटी आगे पालम भी लिख सकते हो उसके बाद आ जाता है कैपिटल लेटर्स में नोटिस उसके बाद डेट कब का है ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को क्लीनिंग होगी कब होगी पच्चीस अक्टूबर को क्लीनिंग होगी तो आप लोग एक दो दिन पहले तो बताओगे तो मैं ट्वेंटी टू अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को बता रही हूँ ठीक है क्या बता रही हूँ क्या बता रही हूँ नो वाटर सप्लाई वॉटर सप्लाई सस्पेंडेड हाँ वाटर वाटर सप्लाई सस्पेंशन लिख देते चलो वाटर सप्लाई सस्पेंशन ये मुझे कैची लगा है जरूरी नहीं कि आपको भी कैची लगे आप अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा से बना सकते हैं कैची लाइन वाटर सप्लाई सस्पेंशन इतना बड़ा नहीं लिखना ये कि आपकी शीट भर जाए मेरी स्क्रीन है बड़ा बड़ा लिखते लिखते पेज भर जाता है बट आपको इतना नहीं लिखना कि पेज दूसरे पेज तक पहुंच जाए ठीक है वाटर सप्लाई सस्पेंशन लिख देते हैं अब बताएंगे ऑल दी स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑल स्टूडेंट्स या रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स ऑल दी रेजिडेंट्स आर हेर बाय इनफॉर्म्ड दैट साथ साथ लिख लो भला करो अपना थोड़ा सा साथ साथ ना लिख लो इन्फॉर्म दैट वाटर दैट वाटर सप्लाई स्पेंडेड विल बी सस्पेंडेड कौन सी तारीख थी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑक्टूबर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बिटवीन कितने बजे से कितने बजे दस बजे से छः बजे सारी चीज़ें बतानी है बिटवीन टेन ए एम टू टेन ए एम टू सिक्स पी एम फॉर वाटर टैंक क्लीनिंग पर्पस वाटर टैंक क्लीनिंग पर्पस ये बता दिया मैंने ठीक है अब उनको बता देते दें कि भाई इंतजाम करके रखना सो प्लीज स्टोर वाटर फॉर अ डे स्टोर वाटर फॉर अ डे यहां बता देंगे स्टोर वाटर फॉर योर यूज अ डे बिफोर फॉर योर यूज अ डे बिफोर भाई एक दिन पहले ही अपना इंतजाम देख लेना फॉर एनी इशू कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड भाई तुमको कोई इश्यू है कि क्यों हो रहा है ये हमको तो नहीं करना पानी से रिलेटेड कुछ तो नीचे लिखे नंबर पे या नाम पे कॉन्टेक्ट कर लेना आप कौन हो करुणा बजाज या फिर करण मैं करण लिख देती हूं करण ब्रैकेट में सेक्रेटरी ठीक है सेक्रेटरी अब पता होगा ना कि कहाँ का है बॉक्स को बंद कर दिया अब तुमको मन है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हम लोगों ने 15 वर्ड्स लिखे उससे ज्यादा 50 वर्ड्स लिखे उससे ज्यादा एक दो तीन चार पांच इसको गिन लेते हैं छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस तैंतीस के बाद क्या होता है थर्टी फोर आई गेस थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी प्रोट्रिक समझ आई क्या आप लोगों को कहानी नहीं देनी है ताकि 50 वर्ड से एक वर्ड ऊपर ना हो हो भी जाता है तो मैक्सिमम पचपन तक रखो उससे ज्यादा कहानी किसी को नहीं पढ़नी और इस नोटिस में कुछ भी मिसिंग नहीं है कैसे क्योंकि मैंने बता दिया कि देखो भैया लोग 25 अक्टूबर को नहीं होगी सप्लाई 10 बजे से छ बजे तक नहीं होगी क्यों नहीं होगी वाटर टैंक क्लीनिंग ड्यूरेशन हमने लिख दिया हु हम लोगों ने लिख दिया कि कॉन्टैक्ट किसको करना है और हमने बता भी दिया कि क्यों लिख रहे हैं नोटिस ताकि आप लोग अरेंजमेंट करके रख लो क्लियर है यहाँ तक तो थम्स अप अब तो बन गए प्रो लिख रहे हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है नहीं लिख रहे हो तो कांट हेल्प इट क्लियर एस आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप फीडबैक सजेशंस आप लोग दे सकते हो मोस्ट वेलकम आई वोंट माइंड कि अगर आप लोग फीडबैक देना चाहते हो सजेशन देना चाहते हो कि मैम अगला लेक्चर इस पर रख लो कुछ फन फील्ड इवेंट चाहिए कोई गेम चाहिए वो कैबलरी की क्लास चाहिए कुछ भी चाहिए बता दो भाई बेझिझक होके ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे यू आर द्रेटरी ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ योर स्कूल तो चलो अब एक स्कूल का आ गया राइट अस इज नॉट मोर देन फिफ्टी वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन आपके स्कूल में है सिंगिंग कॉम्पिटिशन आपको बहुत सारे बच्चों को बताना है कि भाई सिंगिंग कॉम्पिटिशन है पार्टिसिपेट कर लो तो ये कैसे बताओगे नोटिस के थ्रू नोटिस कहाँ लगेगा स्कूल के नोटिस बोर्ड पे तो क्या बताओगे अब यहाँ स्कूल का नाम दिया नहीं है सिंगिंग कंपटीशन का एज ग्रुप नहीं दिया तो आपकी मर्जी है आप अपने स्कूल का नाम लिखो या फिर किसी के भी आदर्श पब्लिक स्कूल एक रैंडम स्कूल का नाम मैंने लिख दिया है ठीक है नोटिस ठीक है उसके बाद यहाँ डेट आप लोग लिख दो जो भी डेट है ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगर आज पंद्रह है सोलह है सत्रह है अठारह है उन्नीस है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वही डेट क्या लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिख देंगे सिंगिंग कंपटीशन सिंगिंग

ऑल दी स्टूडेंट्स आर हेर बाय इनफॉर्म्ड में लिखे लिखाए ला सकती थी बट मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ लिखो तो मेक यूज ऑफ इट नो टाइम क्यों बर्बाद करना है लिखो साथ साथ तभी तो मैं लिख रही हुआ वरना मैं लिखे लिखाई ले आती उसको पढ़ देती क्या फ़ायदा होता तो उसका फिर नहीं होता ना तो जो एफर्ट्स डल रहे हैं उसको यूटिलाइज करो बच्चों सीख लो लिखो साथ साथ ऑल दूडेंट्स आर हेयर बाई इनफॉर्म्ड That. या तो ये हो गया और अपनी नोटबुक में लिखो और पिक्चर्स भेजो यार कि मैम हम लिख रहे हैं आपसे पहले लिख लिया ये लिखा इसके बाद या फिर हम लिख सकते हैं दिस इज टू इनफॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एक सेकेंड एक तो हमने लिख दिया ऑल आर हेयर बाई इनफॉर्म दैट या फिर this is to inform inform all the students students that our school is organizing our school is organizing A singing competition, singing competition, competition on twenty fifth March.

There will be two rounds. There will be two rounds. Two rounds. Interested students. Interested students. Students can give their names. Their names. टू अंडरसाइंड ठीक है सारी डिटेल्स मैंने दे दी इससे ज्यादा जानकारी हमको नोटिस में नहीं देनी होती है नीचे किसका नाम लिखेंगे राजन जो भी है सेक्रेटरी है ना ये तो सेक्रेटरी लिख दिया ठीक है क्लियर है अब इतना इसको एनक्लोज कर दो बॉक्स में इसको बॉक्स में एनक्लोज कर दो कोई डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो फटाफट क्विकली डाउट है नहीं तो मैं सवाल पूछ रही हूँ एक नोटिस में कैपिटल लेटर्स में क्या क्या आना चाहिए एक नोटिस में कैपिटल लेटर्स में क्या क्या आना चाहिए जल्दी एक नोटिस में कैपिटल लेटर्स में क्या क्या आना चाहिए फटाफट फड़ से एक नोटिस में कैपिटल लेटर्स में क्या क्या आना चाहिए दूसरा सवाल है हमारा नोटिस राइटिंग में कितने वर्ड्स होने चाहिए नोटिस राइटिंग में कितने वर्ड्स होने चाहिए दो ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ तीसरा है हमारा लॉफ्ट एंड फाउंड से रिलेटेड

वो आपको कॉन्टैक्ट करे और तुमसे कलेक्ट कर ले आइडेंटिटी प्रूफ दिखा के यू आर अमर अमृता नीचे नंबर है ठीक है अब ये कांटेक्ट कैसे करेंगे तो उसके लिए तो नंबर देना पड़ेगा एंड डैट्स कम्प्लीटली फाइन तो ऐसे वाले जो नोटिस होते हैं इसमें क्या लिखेंगे सोसाइटी पार्क का नाम पता है नहीं पता है तो यहाँ पर एक्स वाई जी पार्क अजंता जगह का नाम एरिया जहां रहता है वो ठीक है नोटिस ठीक है यहां डेट लिख दो फॉर एग्जाम्पल 17 मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसके बाद क्या मिला है आपको फाउंड सम डॉक्यूमेंट्स एंड कैश या तो हम लिख देंगे फाउंड 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 अ बैग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या तो बैग ऑफ डॉक्स डॉक्यूमेंट्स या तो ये लिखोगे या फिर लिख सकते हो फाउंड 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 हेडिंग में फाउंड 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 ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ताकि सारी अटेंशन आपके फाउंड 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 पे चली जाए और सब लोग पढ़ ले का कि भाई कुछ मिला है कुछ, कुछ मिला है कुछ मिला है ठीक है फाउंड 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 लिख सकते हैं अब क्या लिखेंगे ऑल ऑफ यू आर इनफॉर्म्ड ऑल ऑफ यू आर या फिर एवरी वन इज इनफॉर्म्ड है दैट ऑल ऑफ यू आर के बजाय हम लिख देते हैं एवरी वन या फिर दिस इज टू इनफॉर्म सबसे सही पड़ेगा यहां दिस इज टू इनफॉर्म ये हमारा बॉक्स है थोड़ा सा ऐसा हो गया है दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट क्या मिला है अ प्लास्टिक बैग हैज बीन फाउंड हैज बीन फाउंड इन सोसाइटी पार्क सोसाइटी पार्क पार्क जोन है कहा मिला है नेबरहुड पार्क में तो हम सोसाइटी लिख देते हैं हैज़ बीन फाउंड इन सोसाइटी पार्क उसके बाद आप लोग क्या, क्या बताओगे ये मैं सोच कर लाई थी कि आपको होमवर्क दूंगी बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ होमवर्क तो आपको ये करना ही पड़ेगा अब ये मैंने पूरा बता दिया इसके आगे आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है क्या क्या बताओगे वास्तर दोगे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये मैं हिंट दे रही हूँ बस आपको ये आंसर नहीं है आपको बनाना है खुद से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कैश मिला है ठीक है दूसरा जवाब दोगे वेर कहाँ मिला है कहाँ मिला ठीक है और क्या बताएंगे टाइम वैन यानी कि कब मिला ठीक है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो कि भाई तुमको कॉन्टैक्ट कैसे करें जिसको मिला है उसको कॉन्टैक्ट कैसे करें उसके बाद बॉक्स को एन क्लोज कर दो उसके बाद बॉक्स को एन क्लोज कर दो सिंपल एज़ दैट कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टिल है ये हमारा हो गया पूरा एक आइडिया हिंट्स का ठीक है दूसरा होमवर्क है आप लोगों का राइट बॉडी ऑफ नोटिस फॉर अ ब्लैक बैग फाउंड इन द्ले ग्राउंड इट हैज सम कैश एंड डॉक्यूमेंट्स दूसरा भी इसी से रिलेटेड है या फिर आप लिख सकते हो अ वॉलेट लॉस्ट पर अवॉलेट लॉस्ट पर भी लिख सकते हो अ वॉलेट एक सेकेंड लॉस्ट पर या फिर फाउंड अ बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कैश इतना क्लियर है कोई भी डाउट है तो यार बता दो नहीं तो आप लोग मुझे कहाँ पर पिंक कर सकते हो टेलीग्राम पे वी हैव हाँ आर ग्रुप इंग्लिश का इंग्लिश विद राधिका मैम सर्च करेंगे तो आ जाएगा इंग्लिश विद राधिका मैम सर्च करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा नहीं तो हम हैं कहाँ पर अवेलेबल इंस्टाग्राम पे भी हैं राधिका सैगल या राधिका डाउट सर्च करोगे तो भी मैं दिख जाऊँगी तो आसान हो गया है ढूंढना नहीं तो हमारे ऐप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं कहीं पे भी ढूंढ सकते हो चिल सीन है कोई प्रॉब्लम है एनी फीडबैक और सजेशन आई एम ओपन टू फीडबैक एनी काइंड ऑफ सजेशन एनी काइंड डाउट यू हैव बता दो यहीं पर कोई भी डाउट है तो बता दो कोई सजेशन है फीडबैक है दे दो सो दैट यार हमारी क्लास अच्छी रहे मुझे ना नेगेटिविटी नहीं चाहिए क्लास में कि समझ नहीं आ रहा है तो पूछ नहीं रहे हो पूछो बिंदास पूछो क्योंकि अब सेशन ओवर कर दूँगी फिर मैं इसके बाद तो इनमें से कुछ भी बताना है तो मोस्ट वेलकम तो नहीं बताना है तो फिर ठीक है बड़ा बड़ा सा लिख देते स्क्रीन पे तुम लोगों को सॉफ्टी मिले कभी क्लास में मैम सॉफ्टी बनाती हूँ नहीं मिली तो बता रहे अगली बार से हम लोग दिया करेंगे क्लास में सॉफ्टी स्टार्स ठीक है चलिए सेशन को करते ओवर आई होप क्लास अच्छी लगी बाय टेक केयर